हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन इन सी शार्प। हमने एक्सेप्शन स्टडी की, एक्सेप्शंस क्या होती हैं डॉट नेट में, कैसे हैंडल की जाती है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अब यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। इन सी शार्प इट इज़ पॉसिबल टू थ्रो एन एक्सेप्शन प्रोग्रामेटिकली। द थ्रो कीवर्ड इज़ यूज फॉर दिस पर्पज। द जनरल फॉर्म ऑफ थ्रोइंग एन एक्सेप्शन इज एज फॉलोज। तो फ्रेंड, मैंने आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना सिखाया है। एक्सेप्शन कब आती है, कैसे उसको हैंडल करते हैं, क्यों हैंडल करते हैं, ये भी बताया आपको। तो फ्रेंड, डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर कुछ बनी बनाए क्लासेस हैं एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, जो हमने यूज़ की थी। जैसे एक्सेप्शन क्लास है सिस्टम डॉट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्लास सभी एक्सेप्शन क्लास की पेरेंट क्लास है। तो आपके सामने कुछ क्लासेस हैं, सम एक्सेप्शन क्लासेस इन डॉट नेट फ्रेमवर्क, जैसे कि सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट डॉट इनपुट आउट एक्सेप्शन। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, जो अगर आपके प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट की एरर आती है तो इस एक्सेप्शन से हैंडल करते हैं। नेक्स्ट क्लास है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्लास है डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। तो फ्रेंड, ये डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर कुछ बनी बनाई क्लासेस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, मैंने कुछ मेन दिखाई आपको। तो ये डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर बनी बनाई क्लासेस हैं जो एक्सेप्शन को हैंडल करती हैं, और इन सबकी पैरेंट क्लास है एक्सेप्शन। चाहो तो आप ये नेम दे सकते हो कैच ब्लॉक के अंदर, चाहो तो आप एक्सेप्शन क्लास को भी सिर्फ लिख सकते हैं और आपका काम चल जाएगा। तो फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ क्लासेस नहीं मिलती हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर जो सारे टॉपिक्स को कवर करें, सारे कॉन्सेप्ट को कवर करें। तो हो सकता है कि हमें अपनी कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनानी पड़ जाए, जैसे कि ये क्लासेस बनी बनाई हैं स्पेशलाइज क्लासेस हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर। अगर मुझे इन क्लासेस से वो चीज़ नहीं मिल रही जो मुझे चाहिए, तो क्या करूँगा मैं? तो आप अपनी एक्सेप्शन क्लास भी बना सकते हैं, अपने नाम से भी बना सकते हैं, जिनको हम कस्टम एक्सेप्शंस बोलते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड, तो डॉट नेट के अंदर आप अपनी एक्सेप्शन क्लास भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन क्लासेस से काम नहीं चल रहा है, तो आप अपनी क्लास बना लीजिए और अपना प्रोग्राम बना लीजिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड इसको स्टडी करते हैं, प्रोग्राम से प्रोग्रामिंग में आते हैं। तो फ्रेंड, मेरे पास मैंने कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट की है, उसमें क्लास का नेम है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, उसके अंदर एक मेन मेथड है। ठीक है फ्रेंड, चलिए। तो फ्रेंड, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने वाला हूँ, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फिल करेगा, तो जो वो इन्फॉर्मेशन फिल करेगा, मैं उस पर एक्सेप्शन रेज करूँगा। उस एक्सेप्शन रेज करके मैं यूज़र को मैसेज दूंगा, जैसे आपको दिखता है। जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर का एग्जाम्पल दिखाया था, कैलकुलेटर में आप नंबर को जीरो से डिवाइड किया तो मैसेज आया कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो इसी तरह से एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेगा, उसके डेटा को वैलिडेट करेंगे, एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के प्रोजेक्ट्स नहीं बनते। तो हम क्रिएट कंसोल एप्लीकेशन में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे फ्रेंड, देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेंगे फ्रेंड, स्टूडेंट का नेम और उसकी एज ले लेते हैं फ्रेंड। मैं कुछ दो ही फील्ड लूँगा सिर्फ आपको समझाने के लिए, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे हम। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने फ्रेंड हम, तो पहले एक मैसेज देंगे कंसोल डॉट राइट। प्लीज इंसर्ट योर नेम। तो फ्रेंड, कंसोल से वैल्यू कैसे इनपुट कराते हैं मैं आपको बताता हूं। कंसोल डॉट रीड लाइन फ्रेंड, अगर आपको कंसोल से इनपुट कराना है, वैल्यू स्कैन करानी है, तो इसके लिए हम लिखते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन, रीड लाइन मैथड ही जिसकी हेल्प से हम कंसोल से वैल्यू को रीड करते हैं। तो फ्रेंड, रीड लाइन मैथड कंसोल क्लास के अंदर है,
तो ये रीड लाइन मेथड रिटर्न करता है स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो जैसे ही कोई वैल्यू इंसर्ट होगी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया स्ट्रिंग, स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ से रीड लाइन वैल्यू स्ट्रिंग में आएगी और इसमें जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब हम इंसर्ट करवाएंगे सपोज स्टूडेंट की एज, प्लीज इंसर्ट योर एज। तो फ्रेंड एज जो है इंटीजर टाइप है, तो मैं फ्रेंड इसको लेता हूं, मैंने लिया इंट एज। तो फ्रेंड एज इंटीजर टाइप का है और कंसोल डॉट रीड लाइन रिटर्न करा स्ट्रिंग, तो इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में टाइप कास्ट करेंगे इसको, टाइप कास्ट करेंगे कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। फ्रेंड मुझे कंसोल से एज लेनी है यूजर से, और जो एज होती है वो इंटीजर टाइप होती है, तो मैंने एज वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का। तो कंसोल डॉट रीड लाइन रिटर्न करता है स्ट्रिंग, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है कन्वर्ट डॉट टू इंट, कन्वर्ट इज ए क्लास, टू इंट इज ए कंस्ट्रक्टर, कन्वर्ट डॉट टू इंट में मैंने पास किया इस वैल्यू को और इसको टाइप कास्ट कर दिया एज में। तो ये क्या फ्रेंड टाइप कास्टिंग, स्ट्रिंग को मैंने टाइप कास्ट किया है एज में, सॉरी स्ट्रिंग को मैंने टाइप कास्ट किया है इंटीजर में टू इंट 32 और रिटर्न हो गया इसमें। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड हमने मैंने स्टूडेंट से दो वैल्यू इंसर्ट करवाई है, उसका नेम और एज। मैं चाहता हूँ कि अगर एज 18 साल से कम है, मैं वैलिडेट करना चाहता हूँ क्या यूज़र ने जो एज इंसर्ट किया है अगर वो 18 साल से कम है तो एक एक्सेप्शन आएगी, एक एक्सेप्शन रेज करेंगे और यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन। सपोज एज को चेक करने के लिए डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर कोई भी स्पेशलाइज क्लास नहीं है, ऐसी कोई क्लास नहीं जो एज को चेक कर सके, तो इसके लिए मैं अपनी क्लास बनाऊंगा, एक अपनी एक्सेप्शन क्लास बनाऊंगा जो इस चीज़ को हैंडल करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने किया If age is less than 18, अगर एज 18 साल से कम है, अगर एज 18 साल से कम है तो हम यूजर को एक एक्सेप्शन रेस करेंगे, हम एक्सेप्शन आएगी। एक्सेप्शन कैसे रेस करते हैं फ्रेंड, देखिए थ्रो न्यू एक्सेप्शन, इस तरह से हमने एक्सेप्शन रेस की एज कैन नॉट बी लेस देन 18। फ्रेंड मैंने स्टूडेंट से एज इंसर्ट करवाई, अगर एज 18 साल से कम है तो एक्सेप्शन आएगी। तो ये एक्सेप्शन क्लास है, एक्सेप्शन क्लास डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर बनी बनाई है। पहले हम इसको चेक करते हैं, पहले हम इसको रन करते हैं, तो एक्सेप्शन आएगी फ्रेंड। पहले प्रोग्राम रन होगा, वैल्यू मांगेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्लीज इंसर्ट योर नेम, तो मैंने नेम प्रेस किया, प्लीज इंसर्ट योर एज। तो फ्रेंड मैं पहले वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ 18 से कम, तो 18 से कम वैल्यू जैसे इंसर्ट करेंगे तो एक्सेप्शन आएगी। आगे एक्सेप्शन फ्रेंड, एज कैन नॉट बी लेस देन 18, सिस्टम डॉट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्लास है डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर, एज कैन नॉट बी लेस देन 18, मैसेज आ गया आपके सामने। तो फ्रेंड मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एक्सेप्शन क्लास है डॉटनेट फ्रेमवर्क की, मुझे इसे यूज़ नहीं करना है, मैं अपनी एक्सेप्शन क्लास बनाना चाहता हूँ जिसमें ये मैसेज जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक क्लास बनाऊँगा जिसका नाम होगा इनवैलिड एज एक्सेप्शन, क्लास का नेम होगा फ्रेंड इनवैलिड एज एक्सेप्शन। तो मैं क्लास बनाऊंगा, जैसे एक्सेप्शन क्लास है ऐसी मैं बनाऊंगा, जैसे कि ये बनी बनाई क्लासेस हैं, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन ये भी क्लास है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन ये भी क्लास है, तो मैं एक अपनी क्लास बनाऊंगा। देखो फ्रेंड कैसे बनाएंगे, क्लास इनवैलिड एज, एक क्लास बनाई मैंने इनवैलिड एज एक्सेप्शन, इसमें कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर में एक मैसेज पास होगा स्ट्रिंग मैसेज। तो फ्रेंड मैंने एक
एक्सेप्शन क्लास बनाई है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास। ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास है, ये मैंने बनाई है, ये डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर नहीं है। फिर मैं इसके अंदर कंस्ट्रक्टर पास किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में एक मेथड मैसेज पास किया मैंने, जो मैसेज हम पास करेंगे। तो फ्रेंड इसको मैं यूज करूंगा, इसको मैं यूज करूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने एक्सेप्शन क्लास यूज की थी ऐसे मैं यहाँ पे यूज करूंगा, इनवैलिड इनवैलिड एज एक्सेप्शन। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे एरर आ रही है, देखो फ्रेंड मैंने क्लास बनाई, क्लास इनवैलिड एज एक्सेप्शन, कंस्ट्रक्टर बनाया, इसमें एरर आ रही है। क्या एरर है? द टाइप कॉट और थ्रो मस्ट बी ड्राइव फ्रॉम सिस्टम एक्सेप्शन। फ्रेंड ये एरर ये आ रही है, ये कहता है कि जो आपने अपनी यूजर डिफाइंड क्लास बनाई है इनवैलिड एज एक्सेप्शन, इसको आप सिस्टम डॉट एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट कीजिए। तो बिल्कुल सही है, जैसे कि ये स्पेशलाइज क्लासेस हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर, इनपुट आउट एक्सेप्शन, इनवैलिड इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। तो फ्रेंड ये सब किससे इनहेरिट हो रही है? एक्सेप्शन क्लास से, क्योंकि एक्सेप्शन क्लास सबकी पैरेंट क्लास है। तो ऐसे ही जब आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाएंगे, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी किससे इनहेरिट होगी? एक्सेप्शन क्लास से। तो देखो फ्रेंड इनहेरिट करेंगे इसको, इनहेरिट करेंगे एक्सेप्शन। तो मैंने इनहेरिट किया यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को, इनहेरिट किया एक्सेप्शन क्लास से। तो देखो फ्रेंड एरर हट गई है, हट गई एरर। ठीक है, तो ये हमने यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाई है। तो देखो फ्रेंड एक्सेप्शन क्लास में क्या क्या चेक कर सकते हैं, ये जो डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर एक्सेप्शन क्लास है इसको भी चेक करना इसके अंदर क्या है। तो क्या चेक करते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन, गो टू डेफिनेशन पर क्लिक करेंगे। तो देखो फ्रेंड ये डॉटनेट फ्रेमवर्क है, क्या है फ्रेंड ये डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर सिस्टम नेम स्पेस है, सिस्टम नेम स्पेस के अंदर एक्सेप्शन क्लास है, ये डॉटनेट फ्रेमवर्क की बनी बनाई क्लास है। देखो फ्रेंड डॉक्यूमेंटेशन आ रही है, सब लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन। तो एक्सेप्शन क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नॉन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर है विथ पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, एक और कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर दो पैरामीटर हैं, एक और कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर दो पैरामीटर हैं, और भी बहुत कुछ है देखो फ्रेंड एक्सेप्शन क्लास के अंदर जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने लॉजिक में। तो फ्रेंड इस एक्सेप्शन क्लास का मैं पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगा, क्योंकि ये पेरेंट क्लास है तो पेरेंट क्लास का मुझे कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ेगा, एक्सेप्शन क्लास को मुझे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैं इस एक्सेप्शन क्लास का पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगा, ये कंस्ट्रक्टर है। तो मुझे इस पैरामीटर्स एक्सेप्शन क्लास के, इस एक्सेप्शन क्लास के पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा, कहाँ से? अपनी यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर से। ठीक है फ्रेंड, इस मैसेज को मुझे प्रिंट करना है कि सिर्फ ये मैसेज प्रिंट होगा। तो ये जैसे ही कंस्ट्रक्टर, फ्रेंड ये क्या है कंस्ट्रक्टर, ये आएगा यहाँ पे वैल्यू लेके। अब मुझे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, मीन्स ये मैसेज पास करना है एक्सेप्शन क्लास के पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में। ठीक है फ्रेंड, तो कैसे करेंगे? तो फ्रेंड बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करते हैं? ये बेस क्लास है, इसके कंस्ट्रक्टर मुझे वैल्यू पास करनी है, तो कैसे करेंगे? तो फ्रेंड इसके लिए आपको बेस कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, बेस कीवर्ड, और इसमें यही पैरामीटर पास करेंगे मैसेज। तो फ्रेंड अगर आप चाहते हैं अपनी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास बनाना, तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास बनाई, इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट फ्रेमवर्क की एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। फिर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में मैसेज पास किया, यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ पे वैल्यू यहाँ से आएगी, ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ से मुझे यही वैल्यू कहाँ पहुँचानी होगी? एक्सेप्शन क्लास के पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में, तब ये जाके एक्सेप्शन हैंडल होगी। तो फ्रेंड बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को हम बेस कीवर्ड के हिसाब से कॉल करते हैं। मैंने आपको बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करना बताया था, हाउ टू क्रिएट बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर किसी को सीखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके चेक कर सकता है हाउ टू कॉल बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, मैंने उसमें एग्जांपल दिखाया। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे मैसेज पास किया, और ये मैसेज जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से जाएगा यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास के अंदर, और वो मैसेज यूज़र को शो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड अब मुझे एक्सेप्शन हैंडल करनी है। तो इसके लिए तो मैंने आपसे कहा था एक्सेप्शन हैंडल कैसे करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर, तो ट्राई ब्लॉक आएगा, ट्राई, इसको ट्राई के अंदर रखेंगे।
जिस कोड के अंदर हमें संभावना होती है एरर आने की, रन टाइम एरर आने की, तो उसे इफ के अंदर ट्राई के अंदर रखते हैं। फिर कैच आएगा, कैच ब्लॉक, कैच के अंदर आपकी एक्सेप्शन का नियम आएगा, जो आपकी क्लास है। आपकी क्लास का नाम क्या है? इनवैलिड एज एक्सेप्शन। इसका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया हमने, कंसोल डॉट राइट लाइन ex डॉट मैसेज, मैसेज प्रिंट कराएंगे। कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है फ्रेंड। इफ एज इज लेस देन 18 तो यूजर को मैसेज जाएगा एज कैन नॉट बी लेस देन 18, ठीक है फ्रेंड। एल्स अगर सब कुछ ठीक है कंसोल डॉट राइट लाइन, सॉरी रजिस्ट्रेशन अगर यूजर ने 18 साल से कम एज इंसर्ट की है तो उसको मैसेज जाएगा एज कैन नॉट बी लेस देन 18, और अगर 18 से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली, ठीक है फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड इसको रन करते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज इंसर्ट योर नेम, तो नेम इंसर्ट करेंगे, प्लीज इंसर्ट और एज। तो फ्रेंड पहले मैं एज लेस देन 18 इंसर्ट कर रहा हूं, तो मैसेज आया देखो एज कैन नॉट बी लेस देन 18, ठीक है फ्रेंड आ गया मैसेज। प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूजर को मैसेज आ गया जैसे आपको आता है, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो मैसेज आता है। अब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, अब मैं 18 से ज़्यादा इंसर्ट करता हूँ, तो प्लीज़ इंसर्ट योर नेम, प्लीज़ इंसर्ट योर एज। अब मैं 20 इंसर्ट कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली, ठीक है फ्रेंड। हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, तो हमने यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बनाई, जैसे एक्सेप्शन क्लास है, एक्सेप्शन क्लास है, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन क्लास है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन क्लास है, ऐसे ही हमने अपनी एक्सेप्शन क्लास बनाई। इनवैलिड एज एक्सेप्शन, इनवैलिड एज एक्सेप्शन में इनहेरिट किया एक्सेप्शन क्लास को, उसमें कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास किया, फिर इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, बेस कीवर्ड की हेल्प से वही मैसेज पास किया हमने, वो पास होकर रिटर्न आएगा। फिर ट्राई ब्लॉक के अंदर उस कोड को रखा जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना होती है। थ्रो कीवर्ड की हेल्प से फ्रेंड थ्रो कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है हमें, थ्रो कीवर्ड न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। देखो थ्रो कीवर्ड की हेल्प से हमने एक्सेप्शन थ्रो किए, न्यू कीवर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है ये कॉल कैसे होगा जब तक हम न्यू कीवर्ड लगाएंगे? तो थ्रो कीवर्ड से एक्सेप्शन थ्रो होगी, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो ये पैरामीटर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से पैरामीटर एक्सेप्शन क्लास में चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फिर अगर सब कुछ ओके है तो मैसेज चला जाएगा रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली, ठीक है फ्रेंड। ये एक्सेप्शन क्लास डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर है, इसको हमने यूज़ किया है, इसको इनहेरिट करना कंपल्सरी है। तो हमने यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन में एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट किया है, तो ये कंपल्सरी है, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से हमने स्टडी किया यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन को, ठीक है फ्रेंड। एग्जाम्पल मैंने दिखाया, इसके बाद आता है फ्रेंड सिस्टम लेवल एक्सेप्शंस वर्सेस एप्लीकेशन लेवल एक्सेप्शंस। तो फ्रेंड दो तरह के एक्सेप्शन होती है, तो सिस्टम लेवल एक एप्लीकेशन लेवल। तो पहली सिस्टम एक्सेप्शन, सिस्टम नॉट एक्सेप्शन क्लास इज द बेस क्लास ऑफ ऑल एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड यूनिफॉर्म एंड टाइप सेफ वे ऑफ कंट्रोलिंग बोथ सिस्टम लेवल एंड एप्लीकेशन लेवल एबनॉर्मल कंडीशन। फ्रेंड जो आपकी एक्सेप्शन क्लास है जो डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर बनी बनाई है, तो ये आपके सिस्टम लेवल एक्सेप्शन और एप्लीकेशन लेवल एक्सेप्शन को हैंडल ईजिली कर सकती है। तो जैसे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाई, मुझे इसके बिना भी काम चल सकता है अगर मैं एक्सेप्शन क्लास यूज़ करूँगा तो, ठीक है फ्रेंड। हम इसको प्रोग्रामिंग से हैंडल कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे आपकी ये सिस्टम लेवल एक्सेप्शन, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है सिस्टम एक्सेप्शंस आर ड्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम ए बेस क्लास। तो आपके पास सिस्टम एक्सेप्शन है जिससे हम इनहेरिट करते हैं, ये सबकी बेस क्लास है। ये सिस्टम लेवल एक्सेप्शन इज नॉर्मली थ्रो व्हेन ए नॉन रिकवरेबल एरर हैज अकर्ड सच एज ए डेटाबेस क्रैश। दीज आर कॉमन एक्सेप्शन दैट आर थ्रोन बाय द डॉटनेट सी एल आर।
एंड यूज इन ऑलमोस्ट डॉट नेट एप्लीकेशन। तो फ्रेंड सिस्टम एक्सेप्शन का मतलब, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, आपके ओएस में प्रॉब्लम आई थी, कभी कभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग हो जाता है तो आपके सामने एक एरर आ जाती है, आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टम लेवल एक्सेप्शन। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेवल एक्सेप्शन। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं, जैसे कि आपका एमएस ऑफिस है, कोई एंटीवायरस हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो रही है, तो वो जब रन होती हैं तो कभी कभी वे भी हैंग हो जाती है, उसमें एरर आ जाती है, इस तरह की एरर को बोलते हैं हम एप्लीकेशन लेवल एक्सेप्शन। तो फ्रेंड एक डेवलपर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक्सेप्शंस को हैंडल करें, बिना अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट ठीक से नहीं चलेगा, तो यूज़र को प्रॉब्लम आएगी, क्लाइंट को प्रॉब्लम आएगी। तो फ्रेंड एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है सॉफ्टवेयर डेवलपर की वो एक्सेप्शन को हैंडल करें एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर बनी बनाई एक्सेप्शन भी हैं, उनको यूज़ कर लीजिए, या फिर आप अपनी एक्सेप्शन बना लीजिए, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन कहते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।